26 जनवरी गणतंत्र दिवस। यह दिन कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। 26 जनवरी हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आइए जानते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। संविधान सभा के 308 सदस्यों ने मिलकर 24 जनवरी 1950 में संविधान के दोनों हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए और इसके दो दिन बाद मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इससे पहले भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नियम लागू था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद 22 अध्याय और 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को पूरी तरह से हाथों से लिखा गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। भारतीय संविधान की असली कॉपी को हीलियम से भरे बक्से में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। दुनिया के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इस संविधान के रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में गवर्नमेंट हाउस पर शपथ ग्रहण की थी। अभी जो आप गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर होते हुए देखते हो, शुरुआती दौर में वहां नहीं होता था। वर्ष 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कोई जगह तैयार नहीं थी। कभी यह रामलीला मैदान में तो कभी लाल किले में हुआ करता था। फिर वर्ष 1955 से गणतंत्र दिवस की परेड के लिए दिल्ली के राजपथ को मुकर्रर किया गया और तब से लेकर आज तक वहीं पर गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है। गणतंत्र दिवस के समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्पमालाएं डाली जाती है। इसके बाद शहीद हुए भारत के वीर जवानों के लिए 2 मिनट मौन रखा जाता है और फिर राष्ट्रीय गीत जन गण मन के साथ कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस की परेड के अंत में 2 गाने बजाए जाते हैं, सारे जहां से अच्छा और अबाइड विद मी। अबाइड विद मी यह एक क्रिश्चियन सॉन्ग है। इस गाने को बजाने का कारण यह है कि ऐसा माना जाता है यह गाना महात्मा गांधी का पसंदीदा गाना था। यूं तो हर साल गणतंत्र दिवस के समारोह पर किसी न किसी देश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? 26 जनवरी 1950 भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। 26 जनवरी 1955 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के राजपथ पर मनाई गई, तब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मालिक गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के समारोह पर सबसे ज्यादा बार मतलब कि 5 बार आमंत्रित किया जाने वाला देश है फ्रांस और यूके। उसके बाद है भूटान और रसिया, उन्हें 4 बार आमंत्रित किया गया है। वैसे तो गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान राजपथ पर हर रेजिमेंट से हिस्सा लेते हैं, लेकिन 2017 में पहली बार देश के सबसे शक्तिशाली सेना NSG कमांडो ने हिस्सा लिया था और अपना दमखम दिखाया था। परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह सलामी राष्ट्रगान शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद दी जाती है। यह बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 3 दिनों तक चलता है। यह 26 जनवरी को शुरू होता है और 29 जनवरी को खत्म होता है। भारत में सिर्फ 3 ही नेशनल हॉलीडे मनाए जाते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और गांधी जयंती। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।